तैयार तो हो गई, बट मुझे पता नहीं कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। कुछ भी हो जाए मैं मेले में जाके रहूंगी। मेला तब तक लगे ना लगे, पता नहीं क्या होगा, बंद हो गया तो मैं तो रह जाऊंगी ना, फिर इस साल मेले में जाना। चारी करी आगे लग रहा है, ये वाला नहीं है। मेला कर रही हूँ। क्या मिला ठुल्लू? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, कल मैं जिम आया था ना, कल तक लग रहा था। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज मीनाली एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा, मतलब डेली ही लेट शुरू होता है क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बहुत लेट सो रही हूँ और लेट उठ रही हूँ। अभी हो रहा है लंच का टाइम, मैंने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, अब मैं डायरेक्ट लंच करने वाली हूँ। आज मैंने सोचा है कि आज हम जाएंगे शाम को मेला देखने, क्योंकि दशहरा पे मेरा भाई थोड़ा सा बीमार था, जॉन्डिस था उसको, तो हम लोग बिल्कुल भी हमने सेलिब्रेट नहीं करा दशहरा। और लकीली दशहरा का जो मेला है वही सेम मेला लगा हुआ है अभी तक भी, वो हटाया नहीं है, तो वो एक तरीके से दिवाली मेला हो गया अब। तो आज मैंने प्लान किया है कि आज हम जाएंगे दिवाली मेला देखने, झूले झूलने हैं मुझे, स्पेसिफिकली जाइंट व्हील झूलना है। मैं इतने दिनों से देख के उसको इतना फील कर रही थी कि यार हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए अच्छे से, और अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मैंने सोचा कि यार अब तो जा ही सकते हैं हम। अभी तो फिलहाल टाइम लंच का हो रहा है, फटाफट से लंच करते हैं, फिर तैयार होके आज शाम को हम जाने वाले हैं दिवाली मेला में। मेरा तो देखो दिवाली सबसे फेवरेट फेस्टिवल है पूरे साल में, मुझे दिवाली का टाइम सबसे अच्छा लगता है, इतना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस टाइम पे। और कमेंट करके बताना कि किस किस को दिवाली फेस्टिवल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज डायरेक्ट लंच कर रहे हैं, तो राइस तल रखे हैं मम्मी ने, ये गार्लिक वाले पोटैटो टमाटर की सब्जी। गाइस मेरी तो सुबह बहुत लेट शुरू हुई, तो मेरी तो ये क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट की चाय है और मम्मी ने लंच कर लिया, तो ये मम्मी की लंच वाली चाय बन रही है अभी। सोच रही हूँ कि पहले चाय पी लेती हूँ फिर उसके बाद खाना खा लेंगी, कोई बात नहीं। मैं अपनी चाय बनाती हूँ, चाय भी बन गई है और इसके साथ में ये खा लूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे चाय वगैरह के साथ खाने में, आलू के। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुँह में पानी मत लाना, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, बिल्कुल भी, इतना सा भी टेस्टी नहीं है, फिर भी खा रही हूँ मैं, अब बना दिया तो खाना ही पड़ेगा ना। Guys, देसी जुगाड़ जो आपके पास स्ट्रेटनर ना हो, ये बेस्ट तरीका। Guys, I'm half ready. क्या है हाफ रेडी? मैंने शॉर्ट्स पहन रखी, तो इसके नीचे फटाफट से जीन्स पहनूंगी। और ये बंदा शायद नहीं जा रहा मेरे साथ क्योंकि इसको अच्छा फील नहीं हो रहा। मेले में जा रही हूँ मैं आज, जाइंट व्हील पे घूमना है मुझे और ड्रैगन उस पे भी। तेरे में है हिम्मत जाने की? पता नहीं, इसको कहीं उल्टी उल्टी ना आ जाए। वैसे भी इसका जॉन्डिस अभी बाहर आ रहा है, अभी इसको बहुत वीकनेस फील हो रही है काफी दिन से, और डॉक्टर ने बोला भी था कि 15 दिन तक वीकनेस फील होगी, अभी थोड़ा रिकवर। गाइस मेरी हवा निकल गई है। गाइस के लिए 1 like 1 प्रे करो, बेचारे की बॉडी एकदम खत्म सी होने को हो रही है, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है इसको ऐसे देख के, बट ठीक है, पेट में जितने भी टॉक्सिन्स थे सब निकल गए, अब ये एक फ्रेश स्टार्ट करेगा अगर इसको डैडी मम्मी जिम जाने देंगे तो। साथ में डोले बनाएंगे। हाँ देखो ऑलरेडी है मेरा डोला, एक इतना डोला नहीं कह सकते इसको, डोली है ये, मेरी भी डोली बन गई थी। वाओ, मैंने खुद ही बाल स्ट्रेट कर लिए घर पे क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब से हो रहे थे, हेयर वॉश किया था, इसके बाद मैंने खुद ही ब्लो ड्राई से स्ट्रेट कर लिए, मेरे पास स्ट्रेटनर नहीं है। इनके बाल कर्ली होते हैं उनको स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, जिनके स्ट्रेट होते हैं वो कर्ल्स करते हैं, तो ऐसे कभी कोई कुछ नहीं रहता जिंदगी में। बस मुझे जीन्स पहननी है और उसके बाद मैं किसके साथ जा रही हूँ वो भी मुझे डिसाइड करना है। मैं ये सब चीजें पहनती नहीं हूँ, वैसे बहुत कम पहनती, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, और ये मेरा फुल लुक नहीं है। मैं मस्त, यार काश मैं ऐसे जा सकती बाहर, इतना मजा आता है, एकदम कंफर्टेबल, ऊपर फोटो खींचने के लिए नीचे एकदम मस्त कंफर्टेबल कपड़े। मुझे नहीं पता ये अच्छा लग रहा है या नहीं, फिर भी पहन ही लेंगे, कोई बात नहीं। जाने से पहले मैं कुछ खा रही हूँ और ये रही मेरी चाय, क्योंकि मैं तैयार होकर रील्स बनाने लगी थी तो मैंने शाम की चाय मिस कर दी, और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि जाने से पहले थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ जाती तो नहीं खाएंगे और अगर राइड्स पे हम खा के बैठे तो पक्का उल्टी करने वाले हैं। I'm ready. जीन्स पहन लिया मैंने फटाफट से और बैग भी ले लिया, और मैं जैकेट भी कैरी कर रही हूँ अगर ठंड लगेगी तो। Let's pick up my friend.
इसको थमा दिया है। पिक अप माई फ्रेंड का मतलब ये था कि पिक हिम टू ड्राइव। आप लोगों को पता है मैं कहाँ जा रहा था? देखो कहाँ जा रहा था, जिम जा रहा था। और मैंने इसको पकड़ लिया कि नहीं आज मुझे जाना है मेले में। क्या बोल रहे हैं, पागल सी है? पागल सी है यार ये। क्यों यार, किसका मन नहीं करता मेले में जाने को? छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब। जब आपका मन करे आप सामने वाले को अवेलेबल कर लो। मैंने बहुत दिनों से बोल रखा है, इसने खुद आज का दिन बोला था। ट्रैफिक देख सामने, ट्रैफिक तो होगा ही ना। अब दिवाली का टाइम है, सब गिफ्ट वगैरह देने जा रहे होंगे। तो इस बार तू क्या गिफ्ट देने वाला है मुझे, मिठाई के डब्बे के अलावा? अभी आने तो दिवाली 24 तारीख है, अभी कितनी 16 हुई आज। मेला तब तक लगे ना लगे पता नहीं क्या होगा, बंद हो गया तो मैं तो रह जाऊंगी ना फिर इस साल मेले में जाने। 26-27 तारीख तक चलेगा मेला। 24 को दिवाली है ना, उसके बाद तो चलता है। तुझे पता है कि नहीं पता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सुबह से बोल रही हूँ कि मुझे जायंट व्हील में सच में जाना ही है। इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा जल्दी निकल ले, शर्म नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर बिल्कुल भी। हाँ कल भी हम सोसाइटी में फेयर अटेंड करके यहाँ खड़े थे आधा घंटा पता है। और जिम कब ज्वाइन कर रही हो तू? करूंगी देख, तब तक मेरे घर वाले डोले देख। अच्छा जिम वाली गर्लफ्रेंड को देख के कुछ कहेगी तो नहीं तू मेरी? जिम वाली गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स? अच्छा मतलब बहुत सारी चिक्स। अच्छी मेरा गला भी भर गया बोलते हुए। डर खौफ क्या ब्लॉकर? ब्लॉकर हाँ, मैं ब्लॉकर नहीं बन पाई यार, मैं अटैकर थी पता है तुझे। मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ थी, रहूंगी हमेशा पता नहीं। तो चलो हो जाए फिर एक दिन सिंगल सिंगल मैच मेरे साथ। और तेरे ब्लॉक तो बनाया था मेरे के लिए। मैं फिर अपनी स्किल दिखाऊंगी उसमें, तूने सारे अपने अच्छे अच्छे शॉट्स मारे थे। मुझे बता, वीडियो देख देख के सिखाऊं मैं वॉलीबॉल? आई डोंट बिलीव कि ये सोसाइटी में इस किसी को लगता था कि अच्छा खेलता है और इसकी सर्विस कोई नहीं उठा पाता सोसाइटी में। लोग खेलते भाई, सर्विस देने में एक्सपर्ट हो ना कुछ बंद। खेलेंगे किस दिन वॉलीबॉल खेलते हैं। और यहाँ देखो भाई, मैं अपने शूज वगैरह पहन के आया हूँ जिम के। मेले थोड़ी जा रहे तो जिम में तो मैंने सोचा थोड़ी बच्ची है खुश हो जाएगी थोड़ी देर। बेटा कोई बात नहीं भाई, ये लड़के देखो बस रोने वाले। ये लाइट ही बंद कर दी इन्होंने तो तुझे देख के। भाई मेला खत्म हो गया, यहाँ देखो ये सारी लाइट्स वगैरह बहुत सुंदर लग रहा था। कल तक था और हमारा प्लान था कि अच्छे से मेला देखने आएंगे, तभी मुझे लगता है कल कुछ लास्ट था इसलिए अपनी सोसाइटी में भी कल लगा था। तू की जाने बिल्लो एना दी हकीमत। सुबह से मेला 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 कर रही हूँ और क्या मिला? ठुल्लू यहाँ आगे। कैसा टुल्लू? बाबा जी का टुल्लू। पता है कल हम इसके सामने से घूम गए और चले गए और हम इसके अंदर नहीं गए। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, कल मैं जिम आया था ना, कल तक लग रहा था। कल मैं देख के गई हूँ लगा हुआ है और आज अरे देखो तांत्रिक बन के आई थी। आपको गाली देने का मन कर रहा है मेरा कि मैं कल क्यों नहीं रुकी यहाँ, कल क्यों नहीं घुसी इसके अंदर जाके अपना घुमाती। आज अचानक से मैंने पूरे दिन से इतनी प्लानिंग कर रही हूँ तो इतना बढ़ गया ना यार, सच में रोना आ रहा है। लड़की का एक टैलेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं दिल से पसंद करता हूँ। किसी भी टाइम में बिना किसी रीजन के इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी बढ़िया एक्टर मुझे मानना था। दिखाई दिखाई देखो, मैं 10 तक काउंट करता था। 1 2 अच्छा इतने दिनों तो रो गई होगी, दिखाई हो ये देखो इसकी आंखों में, देखो आंसू आ गए देखो। तेरे को इंडिया वहां भेजेंगे, क्या होता है मुंबई आ रही है तू? चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को ना वो वीडियो भेज दूंगा झूले की। मैं मेला देख के आ चुका हूँ घर वालों के साथ, बस इस बार जिंदगी में झूल नहीं पाया, एक साल वेट करना पड़ेगा। बिचारी करी आगे लग रहा है ये वाला नहीं है। मेरी मम्मी बोलेगी तू कहाँ गई थी, क्या फिर गई हूँ मैं झूल के आई हूँ बहुत अच्छे कार में। कार में चला देता टैन है। चलो जिम आ रहा हूँ थोड़ी देर में। चाहता था शिद्दत से जिम जाना, मैंने इसको बोला नहीं रुक जा मेले में। मेरे जिम में देख लाइटिंग लग रही है, देख बहुत अच्छी अच्छी। आज जिम में चलते वहीं वही बना ली है। अच्छा बढ़िया साइकिलिंग। मेरे जिम में चल साइकिलिंग भी करियो और मेले में तो झूल नहीं पाई। हाँ ये वाली वीडियो दे दो सारी मुझे। अच्छा यार ऐसी शेयरिंग चलेगी अब है। देख तेरे वाले तेरे पे देखेंगे, मेरे वाले मेरे पे देखेंगे। कोई नहीं, अभी मैं फिलहाल अभी मैं अपना दुख जाहिर नहीं कर पा रही कि मैं कितना
ज्यादा मुझे इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है। हटा के तुझे पता है मैं प्री वर्कआउट पी के आया था, मेले में जा रहे थोड़ी एनर्जेटिक रहेगी बॉडी। और मैंने दिखाया है कि मैं क्या खा के आई हूँ, टिक्की और वो सब खा के आई थी कि मेले में जाऊंगी, कहीं उल्टी ना हो जाए मेरे को। इतना बड़ा किसी का कटता है यार, इतना तो ब्रेकअप में भी नहीं दुखता जितना अभी मुझे दुख रहा है। तुझे पता है अभी हमारे साथ क्या हुआ? मेरे को लेके जबरदस्त थी, मेला फट गया, मेला हट गया, मेला फट गया। सुबह से पता है मैं कैसे बोल रही थी, मेला जाऊंगी, जाइंट व्हील पे खेलूंगी। तू दो बार जा चुका है ना? लगा था कल मेला, देखा नहीं? वो उसमें तो आई थी मैं, दो झूले लगे उसमें, झूले आज तो बहुत ही गंदी किस्मत। तू दो बार, जो लोग मुझे नहीं जानते फॉलो कर लो, फालतू बोले ना बता दिए। सो गाइज, जैसा आपने देख लिया कि बहुत ही गंदा वाला कट गया हमारा, मेला तो बंद हो गया, हम मेले में नहीं घूम पाए। इतना मन था मेरा मेले में जाने का। तो आज का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड चेक आउट माय अदर वीडियोस आल्सो। बाय बाय। मम्मी, मैं इतना तैयार होके गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई इस बार, हम अटेंड ही नहीं कर पाया था कुछ भी। इस बार तेरा था ही नहीं किस्मत में मेला जाने का, ठीक है? किस वही मैं बोल रही थी, इतने चाव से मैं सुबह से बोल रही थी कि मेरे को जाना है, जाना है मेले में, जाना है। बाहर से निकल के आ गए, हाँ, जाते जाते रह गए, उसके अंदर नहीं गए, ये कह के कि आज आ जाएंगे, मतलब कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, और अब वो हट ही गए आज।